नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। तो दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होती है जब भी कोई ईयरबड्स या TWS खरीदना हो तो कि यार कौन सा लें। इतनी सारी वैरायटी है मार्केट में, रेडमी, बोट, नॉइस, बोल्ट, काफी सारी कंपनीज हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2000 रुपए तक की कीमत में आप कौन से बढ़िया TWS खरीद सकते हैं, ईयरबड्स खरीद सकते हैं। अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए अच्छा तो कौन सा लेना पड़ेगा, साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो कौन सा लेना पड़ेगा, किफायती चाहिए तो कौन सा लेना पड़ेगा। तो आज काफी सारी मैं आपके सामने ईयरबड्स लेके आ रहा हूँ, तो उनकी डिटेल आपके सामने पेश करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करके अपना प्यार तो मुझे जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं 1000 से कम रेंज की, तो इसमें पीट्रॉन के दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, पीट्रॉन बड्स लाइट V2 और दूसरा है पीट्रॉन बड्स। तो दोनों में ही बेस काफ़ी अच्छा है, प्राइस एक का है 799, दूसरे का 899। बैटरी जो है 400 mAh दोनों में लगी है, 6 घंटे का सिंगल चार्ज में देते हैं, प्लस एक्स्ट्रा 14 घंटे का बैकअप मिलता है हमें केस के साथ, तो टोटल 20 घंटे का बैकअप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेटेस्ट ब्लूटूथ है, 1.5 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। नॉइस कैंसिलेशन भी अवेलेबल है, IP रेटिंग स्पेसिफाई नहीं किया, इसमें स्वेट प्रूफ लिखा हुआ है। वॉइस असिस्टेंस है, 10 mm का बढ़िया ड्राइवर लगा हुआ है, हाई डीप बेस है इसके अंदर, ऑडियो भी हाई फाई साउंड लगा है और चार्जिंग जो है माइक्रो USB से होती है। तो इस प्राइस रेंज में ये चीज़ें मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अगला है दोस्तों पीट्रॉन बेस बड्स प्रो। अब ये प्रो है तो मेरे हिसाब से इसमें सब चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। इसकी जो बैटरी भी कम है, 300 mAh है और सिर्फ 12 घंटे का बैकअप है, 3+9। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें हमें लेकिन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें USB टाइप सी चार्जिंग है, तो जिसे फास्ट चार्जिंग मिलती है। नॉइस कैंसिलेशन इसमें भी है, IPX4 की रेटिंग दी हुई है, आई थिंक ये इसलिए प्रो बना दिया है। ड्राइवर बहुत कम है, सिर्फ 6 mm का, जबकि इसके लाइटर वर्जन में 10 mm का जो ड्राइवर हमें देखने को मिल रहा है। बेस भी हाई बेस है इसके अंदर, हाई डीप बेस आपको देखने को मिलता है, हाई फाई स्टीरियो का आपको साउंड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मुझे ये कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा, प्रो बोल दिया लेकिन प्रो वाली कोई चीज़ें इसमें दिख नहीं रही हैं। फिर आता है Redmi 2C 1299 में, 300 mAh की बैटरी है, 12 आवर्स का इसका जो है बैकअप है, 4 घंटे + 8 घंटे, 2 आवर्स इसको चार्जिंग टाइम लगता है। लेटेस्ट ब्लूटूथ तो इसमें मिल ही रहा है, नॉइस कैंसिलेशन इसमें दिखता है आपको, उसके अलावा IPX4 रेटिंग है, वॉइस असिस्टेंट है, 7.2 mm का ठीक ठाक ड्राइवर है, 35 ग्राम लाइट वेट है। बाकी बेस क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं की है कि HD साउंड है या कैसा है, और माइक्रो USB के थ्रू इसमें भी चार्जिंग होती है। अगला वर्जन आता है हमारा बोट का 1:1 V2, इसकी कीमत भी 1299 है, बैटरी 380 mAh है, तो इसमें आपको 3.5 घंटे + 10.5 घंटे का बैकअप देखने को मिलता है, टोटल 14 घंटे का बैकअप है इसके अंदर। लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया, जो कि 1299 में नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलना बहुत अजीब बात है। IPX4 की इसकी रेटिंग है, जिसमें डस्ट और वाटर प्रूफ ये रहेगा, बट स्प्लैश प्रूफ नहीं होते हैं ये। उसके बाद आपको बात करूँ, वॉइस असिस्टेंस है, 8 mm का ठीक ठाक ड्राइवर है, बेस भी इसमें नॉर्मल है, 36 ग्राम वेट है, और ऑडियो क्वालिटी कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं करी है। फिर बात आती है बोट 171 मॉडल की, जो कि 1699 मिल रहा है, 380 mAh बैटरी इसमें भी है, 10 आवर्स का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है, चार्जिंग टाइम अच्छा है, सिर्फ 1.5 घंटे में चार्ज हो रहा है, ब्लूटूथ 5.0 है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया हुआ, IPX4 की रेटिंग मिल रही है, स्वेट एंड वाटर प्रूफ, वॉइस असिस्टेंस इसमें भी है, ड्राइवर अगेन बहुत कम है, 6 mm का है, तो बहुत बढ़िया साउंड आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बेस भी इसमें नॉर्मल है, वेट ज़्यादा है 50 ग्राम का, और माइक्रो USB के थ्रू इसमें चार्जिंग होती है। अगला वेरियंट है बोट 441, 1999 रुपये इसका प्राइस है, 500 mAh बैटरी है, तो यहाँ पे कुछ कंपनी ने अच्छा काम किया है, 5+25 घंटे का बैकअप है, मतलब 5 घंटे नॉर्मल चार्जिंग से जो वर्ड्स की जो सिंगल चार्जिंग होती है, और 25 घंटे केस के साथ में, 1.5 घंटे का इसका चार्जिंग टाइम है, 5.0 का ब्लूटूथ लगा हुआ है, नॉइस कैंसिलेशन है, IPX7 की रेटिंग है, जो कि इस समय की सबसे ज़बरदस्त रेटिंग इसमें देखने को मिल रही है इस प्राइस बजट में, वॉइस असिस्टेंस है, ड्राइवर है 6 mm का, अगेन ड्राइवर में मतलब यार म्यूजिक क्वालिटी पे ही काम करना चाहिए, वहाँ काम नहीं किया कंपनी ने, बेस जो है इसका भी नॉर्मल है, टाइप सी चार्जिंग है, मतलब इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं Redmi S की, 1799 इसका प्राइस है, 300 mAh बैटरी मिल रही है, जिसमें 12 घंटे का बैकअप कंपनी क्लेम करती है, 4 आवर्स का सिंगल चार्ज में प्लस 8 आवर्स का केस के साथ, 2 घंटे इसको चार्ज होने में लगते हैं, लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ है, नॉइस कैंसिलेशन इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि बोट के किसी मॉडल में नहीं था, IPX4 रेटिंग है, वॉइस असिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, ड्राइवर 7.2 mm है, तो यहाँ ठीक ठाक काम किया कंपनी ने, बेस भी इसका ठीक ठाक है, वेट जो है 36 ग्राम है, और माइक्रो USB के थ्रू चार्जिंग है, ऑडियो क्वालिटी यहाँ भी कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं करी है। अब बारी आती है अपने देसी ब्रांड AQFIT A11 की,
1399 में इन्होंने निकाला है, 25 घंटे का बैकअप है, बैटरी कैपेसिटी कहीं कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं करी है, 5 घंटे का सिंगल चार्ज में और 20 घंटे का केस के साथ, 5.0 ब्लूटूथ है, 2 घंटे में चार्ज हो जाता है, नॉइस कैंसिलेशन इसमें आपको अवेलेबल है, IPX5 की बढ़िया रेटिंग इसमें देखने को मिलती है, वॉइस असिस्टेंस भी है, ड्राइवर भी कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने mm का ड्राइवर है, लेकिन इसके अंदर डीप बेस आपको देखने को मिल रहा है जो कंपनी कहती है, वेट इसका ज़्यादा है 70 ग्राम, HD साउंड है, प्लस स्लो लेटेंसी है इसमें गेमिंग के पर्पज से। फिर आता है नॉइज शॉर्ट्स न्यूवो, 1899 में मिल रहा है, बैटरी बैकअप ज़बरदस्त है, 800 mAh और 32 आवर्स का बैकअप कंपनी क्लेम कर रही है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, 1.5 घंटे में सिर्फ ये चार्ज हो जाता है। उसके अलावा 5.0 ब्लूटूथ है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं दिया यार कंपनी ने, तो 2000 में नॉइस कैंसिलेशन आई थिंक मिलना चाहिए था, IPX4 की रेटिंग है डस्ट और वाटर की। उसके अलावा बात करते हैं वॉइस असिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, ड्राइवर है 6 mm का ड्राइवर भी यहाँ पे कमी लगा हुआ है, तो आपको एवरेज साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगी, वेट इसका 50 ग्राम है। अब बात करते हैं बोल्ट एयरबेस की, तो इसके अंदर आपको 1999 में 24 घंटे का बैकअप मिल रहा है, 6 घंटे का सिंगल चार्ज पे और 18 घंटे का केस के साथ, 2.5 घंटे इसको चार्ज होने में लगते हैं, लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ है, नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है जो अच्छी बात है, IPX5 की अपग्रेडेड रेटिंग है, वॉइस असिस्टेंस है, 9 mm का इसमें ड्राइवर लगा हुआ है, HD बेस है कंपनी क्लेम करती है, वेट ज़्यादा लिखा हुआ था 90 ग्राम, ये चेक कर लेना, अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसके अंदर, तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि अब कौन सा लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों वर्डिक्ट की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 1000 से कम की रेंज में पी ट्रॉन के जो बेस बड्स लाइट V2 और पी ट्रॉन बेस बड्स हैं सबसे ज़बरदस्त हैं। इसका ड्राइवर 10 mm का इसमें लगा हुआ है, हाई डीप बेस है, हाई फाई साउंड कंपनी क्लेम करती है, 20 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है और कीमत सिर्फ 799 और 899। स्वेट प्रूफ में आपको चेक करना पड़ेगा कि इसकी रेटिंग जो है स्पेसिफाई नहीं है, आई थिंक IPX4 तो होनी चाहिए जो कि नॉर्मल स्वेट प्रूफ होती है। उसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन भी है इसके अंदर, 5.0 ब्लूटूथ है, तो ये ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से लेना इनको, और इसकी जो रेटिंग भी थी 3.5 स्टार थी जो कि ठीक ठाक है। अब जिससे ऊपर की रेंज की हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर अब आपको सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सीट पे ज़्यादा नहीं रहते हैं, आपको बाहर ज़्यादा घूमना पड़ता है, आपको बैटरी बैकअप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप नॉइज शॉर्ट्स एंड नूवो पर जा सकते हैं, जिसका प्राइस तो 1899 है लेकिन 32 आवर्स का आपको बैकअप देखने को मिलता है उसके अंदर। साउंड क्वालिटी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सिर्फ 6 mm का है ड्राइवर, लेकिन उसके अलावा अच्छा है। अब बात करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर ओवरऑल की है कि आपको हर चीज़ बेस्ट चाहिए, बैटरी बैकअप भी, और वो भी आपका बजट भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो आप बोल्ट एयरबेस पर जा सकते हैं। 1999 में एक तो 24 घंटे का बैकअप मिल रहा है आपको, IPX5 की रेटिंग मिल रही है, 9 mm का ड्राइवर है, HD बेस है, लो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी है, तो गेमिंग पर्पज से आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर मेरे हिसाब से है AQFIT A11, सस्ते का सस्ता है, 1399, 25 घंटे का बैकअप है, IPX5 है, डीप बेस है, HD साउंड है, तो सारी खूबियां हैं इसके अंदर, मतलब आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है, साउंड क्वालिटी भी। तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से है RedmiC2C एंड बोट 121V2, दोनों ही 1299 की रेंज के हैं, ऑलमोस्ट 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहे हैं, एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन आपको RedmiC में देखने को मिलता है, उसके अलावा ड्राइवर इन दोनों का अच्छा है, तो आपको म्यूजिक क्वालिटी अच्छी सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सा ईयरबड्स अच्छा लगा और क्यों। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपेरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, बाय बाय।